होली से ठीक पहले गैस सिलेंडर में वृद्धि को लेकर प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल की युवा इकाई ने विरोध प्रदर्शन किया और इस दौरान प्रांतीय उद्योग के जिला अध्यक्ष सौरभ भट्ट ने कहा कि वर्तमान दरों के हिसाब से परिवारों को एक सिलेंडर खरीदने के लिए अब जहां 1,123 रुपए कीमत चुकानी होगी तो वहीं व्यवसायियों को 2,172 रुपए देकर गैस सिलेंडर का प्रयोग करना होगा। ऐसे में जहां निश्चित ही परिवारों की रसोई का गणित बिगड़ना तय है, वहीं छोटे कारोबारियों के लिए भी इतने महंगे सिलेंडर खरीद कर कारोबार करना मुश्किल होगा। वहीं जिला महामंत्री हर्षवर्धन पांडे ने कहा है कि व्यापार मंडल इस तरह से आए दिन ऊटपटांग मूल्य वृद्धि को चुपचाप सहन करने वाला नहीं है, इसके विरोध में व्यापारियों के द्वारा व्यापक जन आंदोलन चलाया जाएगा। महिला इकाई की जिला अध्यक्ष कुसुम दिगारी ने विरोध प्रदर्शन करते हुए कहा कि व्यापार मंडल की महिला इकाई सीधे रसोई से जुड़े इन विषयों पर बिल्कुल भी चुप बैठने वाली नहीं है। हल्द्वानी से दीपक अधिकारी की रिपोर्ट। आज हम लोग इसलिए बैठे हैं, हमारे भाई भी हमारे साथ हैं और हम लोग सब इसलिए आए हैं क्योंकि जैसे आपने सुना होगा कि जो सिलेंडर्स हैं वो दाम काफ़ी बढ़ गए हैं। ये बहुत दुखती हुई रख के हाथ रखती है सरकार, जिससे कि जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिससे कि घर का चूल्हा भी नहीं जल सकता, खाना नहीं बन सकता, इसके अलावा आपके जो कारोबारी हैं, छोटे छोटे स्टॉल्स हैं जिनके, या फिर कोई रेस्टोरेंट वाले हैं या होटल्स हैं, उनको सिलेंडर्स के बिना तो कोई भी काम नहीं हो सकता क्योंकि देखिए लकड़ी है नहीं, चूल्हा आदमी चला नहीं सकता, अलाउड नहीं। केंद्र की सरकार को चेताना चाहता हूं कि जिस तरीके से व्यापारियों पे लगातार व्यापारियों का शोषण किया जा रहा है, कहीं बिजली की मार है, कहीं गैस सिलेंडर की मार है, इस तरीके से व्यापारियों को जो सरकार परेशान करने का कार्य कर रही है, सरकार इस बात को ध्यान कान खोलकर सुन ले कि 2024 के चुनाव नज़दीक हैं। व्यापारी अभी शांत बैठा हुआ है, जिस तरीके से लगातार व्यापारियों की कमर तोड़ने का कार्य किया जा रहा है, उनके व्यापार को चौपट करने का कार्य किया जा रहा है, चाहे वो ऑनलाइन के माध्यम से हो, चाहे लगातार विद्युत कटौती के माध्यम से हो, और आज ये जो कमर्शियल सिलेंडरों के गैस के दाम बढ़ाए गए हैं, घरेलू गैस के दाम बढ़ाए गए हैं, ये लगातार सरकार के लिए परेशानी का सबब है। यदि सरकार अति शीघ्र इस पे नहीं चेती तो व्यापारी सड़कों पे आकर उग्र प्रदर्शन करेगा और उसकी पूरी जिम्मेदारी केंद्र सरकार और राज्य सरकार की होगी। उद्देश्य के कारण भाजपा की सरकार को जनता द्वारा चुना गया था। आज दिन प्रतिदिन जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है या और भी जिन क्षेत्रों में हम देख रहे हैं कि दिक्कतों का सामना आम जन को करना पड़ रहा है, तो ये बहुत ही एक शर्मनाक स्थिति है क्योंकि आज कल ही जो होली से पहले 50 रुपये घरेलू सिलेंडर बढ़ा दिए गए हैं, 350 रुपये जो है आपके कॉमर्शियल सिलेंडर की गैस के रेट बढ़ा दिए गए हैं, तो ये किस प्रकार की होली की बधाई है समझ में नहीं आ रहा है। होली की बधाई है या होली की एक हमको आज क्योंकि लोगों के घरों में पकवान बनते हैं, 10 चीज़ें होती हैं, तो ये बहुत ही एक चिंताजनक विषय देखने को मिल रहा है।